तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेक्स वाइज कंपैरिजन करने वाले हैं आईफोन 13 और पिक्सल 7 के बीच में। अब गाइस देखो, आईफोन 13 की बात करें तो पर्सनली मैंने यूज किया है एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसे बिग बिलियन डे सेल के अंदर 50,000 के नीचे बाय कर लिया, लेकिन भाई अभी इसकी प्राइसिंग चेक करोगे तो आपको 59,990 रुपीज देखने को मिलेगा, यानी 60,000 के करीब मिल रहा है। और अगर गूगल पिक्सल 7 की बात करें तो भाई वो 59,999 रुपीज है, यानी अभी आईफोन 13 के प्राइसिंग से आप बोल सकते हो कि 9 रुपए ज्यादा हो जाती है। लेकिन भाई पिक्सल 7 भी काफी अच्छे ऑफर के साथ लॉन्च है, मतलब यहां पर अगर आप HDFC का कार्ड यूज कर लेते हो डेफिनेटली आराम से आप 10,000 रुपए और लेस कर पाओगे। और जो आपको बड़ी सेल्स देखने को मिलेंगे वहां पर दोनों ही की प्राइसिंग नॉर्मल यही आपको 50,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि दोनों में से किस फोन को लेना वर्थ होगा, किस फोन में ज्यादा अच्छे स्पेक्स देखने को मिलते, कौन सा फोन आपको बेस्ट हो जाता है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले दोनों फोन के बिल्ड लुक और डिजाइन की बात करना चाहेंगे। अब देखो यहां पर अगर लुक की बात करें ना तो आपकी चॉइस हो सकती है कि भाई आपको एप्पल का ये लोगो वाला चमकता हुआ लुक चाहिए, पिक्सल 7 का ये ग्लॉसी बैक चाहिए, लेकिन भाई दोनों ही के बिल्ड क्वालिटी और इनहैंड फील की बात करें तो भाई देखो दोनों ही की जो बिल्ड है वो भी प्रीमियम मिलती है, बैक से दोनों ही ग्लास के साथ में आते हैं। जहां पर आईफोन 13 के साथ में आपको एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है तो पिक्सल 7 के साथ में आपको मेटल फ्रेम देखने को मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों ही फोन अच्छे हो जाते हैं। इनहैंड फील की बात करें तो कहीं ना कहीं आईफोन 13 थोड़ा सा हल्का है, 173 ग्राम के वेट के साथ में आता है, 7.65 mm के थिकनेस के साथ में आता है, तो ओवरऑल इसका इनहैंड फील थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। वहीं पर गूगल पिक्सल 7 वेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा आईफोन के मुकाबले, 197 ग्राम का वेट है और 8.7 mm के थिकनेस है, यानी थोड़ा सा मोटा है आईफोन के मुकाबले और थोड़ा सा भारी हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्प्ले साइज। तो भाई लुक वाइज नीचे कमेंट करके आप बताना कि आप आईफोन को चूज करोगे या फिर पिक्सल को चूज करोगे, बाकी दोनों ही की बिल्ड क्वालिटी लगभग अच्छी देखने को मिलती है, कहीं पर भी आगे पीछे कोई नहीं निकलता है। लेकिन भाई दोनों की डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको कुछ बहुत बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि आपको समझना होगा। सबसे पहले तो अगर नॉर्मली आप देखोगे दोनों की डिस्प्ले के अंदर तो बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, जैसे गूगल पिक्सल 7 के साथ में आपको सेंटर में पंच होल कटआउट मिलता है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छी मिलती है। लेकिन ऐसे में अगर आईफोन 13 के डिस्प्ले को देखोगे तो शायद आपको और बुरा लगेगा कि भाई आपको बड़ा नॉच मिलता है, लेकिन भाई उससे भी ना एप्पल की काफी अच्छी ब्रांडिंग हो जाती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं एप्पल वाला नॉच है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट डिस्प्ले साइज की बात करें आईफोन 13 के साथ में 6.1 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, तो भाई गूगल पिक्सल 7 के साथ में कॉम्पैक्ट साइज और मैं बोलूंगा एक बैलेंस से डिस्प्ले होती है, मतलब 6.3 इंच की, नहीं बहुत बड़ी है और नहीं बहुत ज्यादा छोटी है, तो मतलब दोनों ही के डिस्प्ले साइज में यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं गूगल पिक्सल 7 थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है और यहां पर कहीं ना कहीं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हुआ या फिर पंच होल कटआउट हुआ उससे ये फोन थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है पिक्सल 7 की तरफ। बाकी गाइस अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, डिस्प्ले में कलर्स की बात करें, तो ऐसे में मैं बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो ब्राइटनेस है ना वो आईफोन 13 की आपको आउटडोर हो इंडोर हो कहीं से भी कोई कमी नहीं होगी, विजिबिलिटी को लेकर बहुत तगड़ी ब्राइटनेस देखने को मिलती है। ऐसे में तो 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन एसडीआर कंटेंट वॉच करोगे तो आपको 1200 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। और अगर पिक्सल 7 के साथ में भी ब्राइटनेस और कलर्स की बात करें तो यहां पर भी आपको 1400 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है, तो भाई यहां से भी आपको ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, ओलेड पैनल देखने को मिल रहा है और भाई यहां पर आपको फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट मिल रहा है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि आईफोन 13 के साथ में भी आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है डिस्प्ले के ऊपर, लेकिन आईफोन 13 की जो डिस्प्ले होती है वो स्क्रैच बहुत तेजी से होती है अगर आप स्क्रीन गार्ड या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाते हो। बाकी आईफोन 13 के साथ में आपको इनका सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है और दोनों ही फोन एसडीआर 10 प्लस के सर्टिफिकेशन के साथ में आते हैं। लेकिन डिस्प्ले के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसको कि बहुत सारे लोग ना मिथ बनाकर रखे हुए कि भाई आईफोन की जो 16 हर्ट्ज वाली पैनल होती है ना वो इतनी स्मूथ होती है कि 120 हर्ट्ज को फेल कर दे एंड्रॉइड के, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यहां पर आपको पिक्सल 7 के साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल रहा है और डेफिनेटली वो आईफोन 13 से थोड़ा सा बेहतर काम करेगा, थोड़ा सा स्मूथ डिस्प्ले आपको मिलेगा। और जब आप पर्सनली आईफोन को यूज करोगे, आईफोन 13 को मैंने पर्सनली यूज किया तो मुझे ऐसा डिफरेंस लगा कि हाँ थोड़ा सा यहां पर स्लो काम कर रहा है, तो भाई मैं श्योर हूं कि यहां पर डिस्प्ले में हाई रिफ्रेश रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और एटलीस्ट 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट इनफ हो जाता है जो कि पिक्सल 7 के साथ मिल रहा है। तो ये चीज है कि फीचर आपको 7 के डिस्प्ले के अंदर ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, बाकी दोनों ही के डिस्प्ले A1 क्वालिटी की आपको इस प्राइस के ऊपर क्वालिटी दे देने वाली है। लेकिन भाई बात करते हैं दोनों फोन के थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि इन फोन्स का परफॉर्मेंस। तो भाई यहां पर जो गूगल है ना उसने अपना सेकंड जेन वाला चिपसेट लगा कर दिया है पिक्सल 7 के साथ में जो कि है गूगल टेंसर G2 चिपसेट। अब ये 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में आने वाले एक ऑक्टा कोर चिपसेट है और परफॉर्मेंस आपको अच्छी निकाल कर दे देगा। लेकिन भाई आईफोन 13 भले ही लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था बट यहां पर जो चिपसेट मिलता है वो है एप्पल का A15 बायोनिक चिप। अब अगर दोनों ही चिपसेट में अगर आप कंफ्यूज हो परफॉर्मेंस को लेकर 5G को लेकर तो दोनों चिपसेट 5G हैं और दोनों ही में अच्छे खासे 5G बैंड मिलते हैं। अब पिक्सल 7 के साथ में आपको थोड़ी ज्यादा बैंड देखने को मिलते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आईफोन के साथ में भी काफी सारे बैंड मिलते हैं, तो 5G को लेकर आंख बंद करके दोनों फोन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से 5G कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर बात आती है कि कौन सा फोन हमें गेमिंग के लिए लेना चाहिए, परफॉर्मेंस किस में अच्छी मिलती है,
चुकी है और चिपसेट कौन सा आगे निकलता है ये जानना है तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ एप्पल का A15 बायोनिक चिप। आप A15 बायोनिक चिप से गूगल टेंसर का ही कंपैरिजन देख सकते हो, तो यहाँ पर चाहे ग्राफिक रिलेटेड टास्क हो या फिर गेमिंग टास्क हो या फिर नॉर्मल यहाँ पर जो टेस्टिंग होती है उन सभी को देखोगे ना तो उन सभी में कहीं ना कहीं A15 बायोनिक चिप थोड़ा सा अच्छा निकल कर आता है और दोनों ही में आप हाईएस्ट सेटिंग्स पर सारे गेम प्ले कर पाओगे। लेकिन भाई साहब परफॉर्मेंस में ना सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और भाई अगर आपको ना एंड्रॉयड का अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ भाई पिक्सल फोन्स को यूज कर लो। मतलब गूगल पिक्सल 7 के साथ में आपको एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है ना उसके साथ में जो ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है वो तो कमाल की मिलेगी ही, साथ में आपको एंड्रॉइड 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, 17 मिलेगा, मतलब जब तक आप फोन को यूज करोगे तोड़ फोड़ के रख दोगे तब तक अपडेट्स मिलते ही रहेंगे एंड्रॉइड को लेकर। और भाई यहां पर आपको 5 से 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट भी मिलता रहता है और डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि अगर एंड्रॉइड iOS में यहां पर टक्कर होगी ना तो डेफिनेटली जो एंड्रॉइड की दुनिया के अंदर पिक्सल्स है ना वो आईफोन को बहुत तगड़ा टक्कर देने वाले। और भाई एंड्रॉइड के साथ में प्लस पॉइंट तो ये होता है ना कि जो कुछ iOS के अंदर फीचर्स नहीं होते जैसे iOS के साथ में बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं वो एंड्रॉइड के अंदर दूर होती हैं। और अगर आपने कभी एप्पल के iOS का एक्सपीरियंस नहीं किया है और आप डर रहे हो कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि पिक्सल 7 एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा एंड्रॉइड के साथ में। वहीं पर आईफोन 13 की बात करें तो आपको इनका iOS देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है, काफी ऑप्टिमाइज है। हाँ अपडेट करने के बाद आपको थोड़ा बग्स स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं लेकिन वो अपडेट के थ्रू एप्पल फिक्स कर देती है। और भाई आईफोन 13 के साथ में अभी iOS 16 देखने को मिल रहा है उसके बाद में भी आपको 2 से 4 अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भाई बात करते हैं दोनों फोन के कैमरास को लेकर तो इसके स्टार्टिंग में मैं कह देता हूं कि दोनों ही फोन का कैमरा प्रैक्टिकल रिव्यू आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन यहां पर हम ऑन पेपर अगर बात करें ना तो दोनों फोन के बैक में डुअल कैमरा लेंस मिलते हैं। अब आईफोन 13 में 12 मेगापिक्सल के दो लेंसेज देखने को मिलते हैं, पिक्सल 7 के साथ में प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का मिलता है, भाई 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, 12 का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलते हैं। अब देखो यहां पर आईफोन 13 को जितना मैंने यूज किया मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि आईफोन 13 का जो कैमरा होगा ना वो बहुत ज्यादा आगे तो नहीं बट हां एक स्टेप आगे निकल जाएगा पिक्सल 7 के कैमरा से। लेकिन दोनों फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही में आप 4K 60fps की रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक और फ्रंट से जो कि काफी अमेजिंग है। और भाई अगर कैमरा वाइज दोनों ही फोन में से किसी को भी चूज कर लेते हो दोनों में से कोई भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन आईफोन 13 मैं बोल सकता हूं कि क्रिएटर्स के लिए स्पेशली कमाल का डिवाइस हो जाता है। लेकिन अब फाइनली बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग की बात कर लेते हैं तो दोनों ही में इस प्राइस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बैटरी कैपेसिटी नहीं मिलती है। जैसे आईफोन 13 के साथ में तो 3240mAh यानी 3240mAh की बैटरी मिलती है और भाई वहीं पर पिक्सल 7 की बात करें तो यहां पर भी आपको 4000 समथिंग बैटरी देखने को मिलती है, मतलब 4270mAh बैटरी मिलती है। लेकिन यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा कि इन गधों को सीखना चाहिए एंड्रॉइड के 15000 वाले फोन से जो कि 33W का चार्जर दे रहे हैं। बाकी गाइस फाइनली बात करना चाहेंगे तो दोनों फोन में बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता है। बाकी बात करें तो दोनों ही में IP68 की रेटिंग मिलती है, डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। लेकिन यकीन मानो आईफोन 13 आगे निकलेगा बिकॉज इसका जो स्पीकर है ना ऐसा लगता है भाई कि यहां पर छोटा ब्लूटूथ स्पीकर किसी ने बजा दिया है। तो यहां पर साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है आईफोन 13 के साथ में। बाकी भाई यही कुछ फाइनली कंपैरिजन रहा इन दोनों फोन का। लेकिन नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोग आईफोन 13 को चूज कर रहे हो और भाई कितने लोगों को पिक्सल 7 अच्छा लग रहा है। बाकी कोई बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं है जिससे मैं बोलूं कि एक फोन को आप बिल्कुल मत चूज करो, दोनों ही अपनी जगह पे कमाल के ऑप्शन हो जाते हैं। बस यार आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं एक और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।